जयपुर के स्कूली विद्यार्थियों ने किसानों की सहायता के लिए खेत में खड़े बिजुका की तरह पैराक्लीट बनाया है। विद्याश्रम स्कूल के 8वीं कक्षा के हरित मंगल और 9वीं की मुनंदिता जोशी ने शुभी शर्मा के निर्देशन में जीपीएस, जीएसएम, नाइट विजन कैमरा, स्प्रिंकलर, अल्ट्रासोनिक साउंड, इंसेक्ट रिप्लेंट, एड्रीनो और सोलर पैनल जैसे फीचर्स वाला स्कीयर क्रो पैराक्लीट बनाया है। ये पूरी तरह इको फ्रेंडली है। नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र शर्मा। हमने आमतौर पर देखा है कि जो किसान पशु पक्षियों से अपने फसल की, अपने खेती की रक्षा करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए एक बिजुका, बिजुका माने एक ऐसा डमी, ये तकरीबन इस तरह का, वो खेत में लगाते हैं। इस मानव आकृति का जो डमी बना होता है, उस डमी को देखकर जो फसल को ख़राब करने वाला, चट करने वाले जो पशु पक्षी होते हैं, वो इसको आदमी समझकर, मानव समझकर भाग जाते हैं। लेकिन अभी तक जो ये बिजुका है, हमने देखा है कि ये मानव रहित होने के साथ साथ न चल सकता है, न फिर सकता है, न बोल सकता है, सिर्फ एक डमी होता है। फ़र्ज़ करें कि यह जो डमी है, ये जो बिजुका है, देखने लगे, बोलने लगे, इसके अलावा ये फसल को पानी भी दे, रासायनिक खाद भी डाले। अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ उस खेत में होती है, कोई पशु आ जाए, कोई पक्षी आ जाए, तो उसका अलर्ट भी दे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे राज्य को और तमाम कई राज्यों की फसल को चट कर रही है, टिड्डी, टिड्डी को भी भगा दे, तो है ना आश्चर्य की बात। तो इस आश्चर्य को हकीकत में बदला है जयपुर के विद्याश्रम स्कूल के दो छात्र हैं, 8वीं और 9वीं के छात्र। मेरे साथ में है, आपका नाम भूल गया, मेरे साथ में है 9वीं क्लास की होनहार छात्रा मुनंदिता जोशी और हरित मंगल। हरित मंगल 8वीं क्लास में है और आप 9वीं क्लास में। इन बच्चों ने, इनकी जो फिजिक्स की टीचर है शुभी शर्मा जी, उनके निर्देशन में इस बिजुका को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्केयर क्रो, तैयार किया है। इस बिजुका की क्या फंक्शनिंग है, किस तरह से काम करता है, किसानों के लाभ में किस तरह से आएगा, तमाम चीज़ों के बारे में, इसके फीचर के बारे में जानते हैं इन होनहार बच्चों से। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा एक बिजू का जो डमी बना हुआ है, आप हमें बताएं कि किस तरह से काम करता है और कैसे फंक्शनिंग करता है। सबसे पहले तो हमने इसका नाम रखा है पैराक्लीट, जिसका मतलब होता है जो ध्यान रखता है, जो केयर टेकर होता है। हमने इसके अंदर पेस्ट रेपेलेंट लगाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टिड्डियां आजकल सारी फसलों को ख़राब कर रही है, तो हमने इसके अंदर पेस्ट रेपेलेंट लगाया है जो कि टिड्डियों को भी भगाता है। वो अल्ट्रासोनिक साउंड से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता है जो कि टिड्डियों को परेशान करती है। वो उन्हें मारती नहीं है, सिर्फ उन्हें भगा देती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई किसी भी जीव को हमारी वजह से नुकसान हो। ये कैमरा 360 डिग्री देख सकता है और इसमें मोशन सेंसर भी है, तो जैसे ही अगर कोई भी चिड़िया इसके सामने से निकलती है तो ये हमें अलर्ट दे देगा और हम जान सकते हैं कि भाई कोई है या फार्म में कोई हलचल हो रही है। ये देख सकते हैं इसका मूवमेंट। जी बिल्कुल। तो ये कैमरा केवल सामने देख पाएगा या चारों तरफ देख पाएगा? ये चारों तरफ देख सकता है, 360 डिग्री, 360 एंगल कैमरा है जी। पिछले दिनों टिड्डियों ने भी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। टिड्डियों सहित उड़ने वाले कीट से भी फसलों को बचाने में ये स्केयर क्रो बड़ा रोल निभा सकता है। इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड, इंसेक्ट रिप्लेंट फीचर एड ऑन किया गया है। इससे ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर अल्ट्रासोनिक किरणें छोड़ता है। उड़ने वाले कीट खेत में नहीं आते, यानी जितनी दूरी इसमें रखी जाएगी उतनी दूरी तक कोई कीड़ा मकोड़ा खेत में नहीं आएगा। जैसा कि इन बच्चों ने बताया कि ये जो कैमरा लगा हुआ आप देख सकते हैं, कैमरा है 360 एंगल, यानी कि चारों तरफ, ऊपर नीचे सब तरफ देख सकता है। इस कैमरे के आगे अगर किसी भी तरह का मूवमेंट होता है तो ये अलर्ट भेजेगा किसान को। बिल्कुल, किसान के पास मोबाइल पे, यानी कि आपको बता दें कि जीपीएस, जीसीएम से लेस है,
वाईफाई से भी चल सकता है, ब्लूटूथ से भी चल सकता है। जो भी सुविधाएं उस किसान के पास में है उसके आधार पर इसका संचालन किया जा सकता है। सपोज़ मैं मुनंदिता से कहूँगा कि वो हमें बताए कि जैसे सपोज़ मेरा जो हाथ है वो कोई पशु है या पक्षी है तो किस तरह से अलर्ट भेजेगा। जी आप बताइए। जब भी इसके सामने कोई भी मोशन यानी कि कोई भी हलचल होती है तो ये आवाज़ करना शुरू कर देता है इस प्रकार। या आप देख सकते हैं कि ये अलर्ट जो है अलार्म बज रहा है इसके अंदर। और जब तक आप इसे बंद नहीं करेंगे तब तक इसकी आवाज़ चलती रहेगी, तो किसान को उसे बंद करना होगा और फिर उसकी आवाज़ रुक जाएगी। इस अलार्म से क्या फ़ायदा है? इस अलार्म से ये फ़ायदा है कि आसपास में जो भी चिड़िया या जो भी जानवर आता है तो वो वहाँ से इस आवाज़ से डर के भाग जाएगा। और इसमें ये भी सुविधा है कि अगर हम घर बैठे हैं और हमने किस कोई हलचल देखी या हमने देखा कि कोई इंसान हमारे खेत में आ गया है तो हम हमारे फ़ोन से जो भी बात कहेंगे या जो भी बोलेंगे वो इससे हमें सुनेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक इन्होंने बताया कि एक स्टोरेज है। स्टोरेज की क्या खासियत है, क्या काम आएगा, जानते हैं इनसे। यानी जो भी किसान अपने लिए लाता है वो यहाँ पर रख सकता है, जैसे खाने की चीज़ें या उनका जो भी ज़रूरी सामान है जो कहीं मिट्टी में दबा के या पेड़ पे टांग दिया करते थे, अब वो सामान यहाँ पे आराम से रख सकते हैं और उस सामान को मतलब सुरक्षा रहेगी उस सामान की। हमारे पास दो पैरों में भी यहाँ पे स्टोरेज है जहाँ पे किसान अपने और जो कि खेती बाड़ी का सामान होता है जैसे खुरपी होती है तो वो सब कुछ यहाँ पे संभाल के रख सकता है। इसी तरह के स्टोरेज दोनों टांगों में है और एक पेट में है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स जो है वो भी वो स्टोर करके रख सकता है इन इसके अंदर। जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं उसकी ये भी सुविधा है कि हम उसे पानी में मिला के इन पाइप्स के थ्रू जो कि इरिगेशन के लिए यूज़ किए गए हैं वहाँ से भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर सकते हैं। हमने ये जो पाइप लगाए हैं ये इरिगेशन के लिए लगाए हैं। पैराक्लीट में स्प्रिंकलर्स भी लगे हैं जिनसे फसलों को पानी दिया जा सकता है। इसमें फर्टिलाइजर स्टोरेज भी है जिससे एक निश्चित मात्रा में फसल को फर्टिलाइजर भी दिया जा सकता है। नाइट विजन के फंक्शन के साथ 360 डिग्री नज़र रखने वाला कैमरा भी लगा है। इसमें लगे सेंसर किसी भी तरह की गतिविधि से किसान को सचेत करते हैं। साथ ही इसमें लगे माइक के माध्यम से आप अपनी आवाज़ से बड़े जानवरों को भी भगा सकते हैं। हमारे साथ में विद्याश्रम स्कूल प्रतापनगर के प्रिंसिपल दीपक दुआ जी हैं। आइए जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। हम यहाँ स्कूल में एक इनोवेशन लैब नाम से एक लैब को चला रहे हैं जहाँ बच्चे इस तरह के प्रोजेक्ट जैसा कि आपने अभी देखा स्केयरक्रो जो एक फार्मर्स को किसानों को मदद करने के लिए एक काफ़ी कारगर उपयोगी यंत्र बनाया है बच्चों ने और बड़े ही कम समय में कम रिसोर्सेज के साथ इसको बनाया है। इस तरह के और भी रिसोर्सेज हमारे बच्चे यहाँ पर स्कूल में जो लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं उसके साथ बना रहे हैं जो कि मानवता के लिए आगे चलकर काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। हमारा विचार सिर्फ ये है कि बच्चों के अंदर जो सृजनात्मक कला होती है उसको और उभारें और उनको और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराएँ ताकि वो अपने रिसोर्सेज चाहे वो लिमिटेड हों चाहे और हम उनको अवेलेबल करा पाएँ उससे मानवता के लिए आगे आकर और अच्छी चीज़ें बनाएं जो आगे जाकर सबको काफ़ी उपयोगी और सहायक हों। यही हमारा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से हमें इनोवेशन लैब चला रहे हैं और ये बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ एक और बहुत और भी जुड़ रहे हैं साथ साथ, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए इनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। साथ ही जो अध्यापक इनके साथ जुड़ी हुई हैं वो भी इनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं ताकि ये अपने कार्य को रोके नहीं। और ऐसा नहीं है कि जब ये कार्य कर रहे होते हैं तो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बच्चे अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दे रहे हैं पूरी तरह से और इस तरह के और ही अच्छे प्रोजेक्ट जो कि आपको आने वाले समय में और पता लगेंगे हम आपके साथ रूबरू होंगे उनके साथ। इन विद्यार्थियों ने बताया कि पैराक्लीट को बनाने में करीब 2500 रुपये का खर्च आया है। वहीं इसमें ऊपर की कोर सोलर पैनल फिट किए गए हैं। इसको एडिशनल पावर सप्लाई की भी ज़रूरत नहीं है। दिन में सूर्य की रोशनी से चार्ज होने पर यह पूरे दिन काम करता है। वहीं GSM GPS फीचर होने के कारण इसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है और चोरी से भी बचाया जा सकता है। जैसे कि आपने सुना हो कि अल्ट्रासोनिक यानी कि ऐसी आवाज़ ऐसी ध्वनि जो मनुष्यों को एक सीमित तक सुनाई देती है लेकिन वो कर्कश और ख़तरनाक आवाज़ होती है जीव जंतु के लिए,
तो इस बारे में जानते हैं। सर, ह्यूमन की रेंज होती है 20 Hz to 20,000 Hz। अगर इसके बीच में फ्रीक्वेंसी है तो हमें वो सुनाई देती है। इससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी होती है तो वो हमें नहीं सुनाई देती। जैसे आपने देखा होगा डायग्नोस्टिक सेंटर में अपन सोनोग्राफी करते हैं, उसमें भी हम अल्ट्रासाउंड लेते हैं। हमने सेम वही फीचर लिया है यहाँ पे, ताकि जो टिड्डी हैं, क्योंकि वो भी इकोसिस्टम का एक पार्ट है, हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते, तो हमने उनको सिर्फ दूर रखने के लिए वो वाली फ्रीक्वेंसी अबव देन, मतलब ज़्यादा 20,000 Hz से ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी कामिल है, जो कि जानी जाती है अल्ट्रासाउंड के नाम से। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, हमने उसको इस पेस्ट रिपेलेंट को हमने आर्डिनो से कनेक्ट किया है, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी हम वो भी कंट्रोल कर सकते हैं 20,000 Hz के हम इसको ऊपर ही रखेंगे, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर 20,000 से थोड़ा कम होता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी हमारे ईयर्स में, तो इसलिए हम इसको 20,000 Hz से और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से वहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं, तो क्योंकि हर इंसेक्ट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो भागता है, तो हम उसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। हर तरीके के कीट पतंगे इससे दूर रह जाएंगे, चाहे वो टिड्डी है, चाहे वो कोई और है, हर तरीके के कीट पतंगे दूर रहेंगे। और हम नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करना चाहते, इसलिए हम जो रेंज ह्यूमंस जो रेंज हम सुन सकते हैं हम उस पर नहीं रख रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आसपास के लोगों को परेशानी हो, और इसलिए हमने ऊपर रखा है ताकि जो टिड्डियाँ हैं वो भाग जाएं।